आज मैं आपको ये जो मग्स होते हैं, कॉफ़ी वाले मग होते हैं, चाय वाले कप्स होते हैं, सेरेमिक जो पॉट्स होते हैं ये वाले, तो इनको मैं होल करना बताऊंगी और बिना किसी ड्रिल मशीन के। और ये देखिए, मैंने पहले करा हुआ था, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था तो उसमें दूसरा तरीका बताया था, उसमें भी मैंने ड्रिल मशीन नहीं यूज़ किया है। और आज तो आपको मैं और भी आसान तरीका बताऊँगी। ये देखिए, ये सभी जो प्लांट्स हैं, ये स्नेक प्लांट है, इधर ये अडेनियम है, छोटा सा सीड से लगाया था, ये आपका सिंगोनियम। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट हम लगा सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये क्या है, ये मैंने एक पानी ले लिया है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। ऐसे ही यहाँ मेरे गार्डन में ये वाला बर्तन रहता है, यहीं से मैं आपको बताई दे रही हूँ। इसको ऐसे रख दिया उल्टा करके पानी में, ठीक, और बस कुछ नहीं करना है। अब मैं जैसे कि ऐसे चाकू ले लिया है मैंने, और इसमें बस ऊपर से हल्के हल्के से, ये देखिए एक ये मेरा वो किचन का ही बट्टा है, ये देखिए ये जिससे हम चटनी वटनी पीसते हैं, कुछ छोटे से मसाला वसाला, तो ये वो है। आप चाहे तो हथौड़े से हल्के से कर लीजिए, लेकिन हमें बहुत हल्की चीज़ चाहिए, बहुत हल्के हल्के से। बहुत हल्के हल्के करना है, बहुत ज़ोर से नहीं कर दीजिएगा, हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए ये इतना हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको नाइफ़ को ऐसे घुमा दे रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे गया ना नाइफ, ये स्टील वाला बना है, ऐसे आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए ये हो ना, ये होल आपको दिख रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा, ये इसको मैं बड़ा करती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये, अब इसको नाइफ को ऐसे घुमा दे रही हूँ, ऐसे हल्के हल्के से करिएगा। ये देखिए अब तो आराम से हो जाएगा, देखा कितना आसान है। ये देखिए इतना हो गया, देख लिया, ये देखिए ये हो गया ना, ये हो गया। अब चलिए दूसरा भी करते हैं। एक बार जब हमको लगता है कि अरे बहुत सारे पॉट्स हमारे तैयार हो सकते हैं, चलिए अब इसको भी ऐसे ही देखिए, ऐसे क्या करके, यूं करके इसमें ऐसे, जिससे कि इसके अंदर पानी भर जाए, ऐसे ऐसे, ये दब गया, ठीक है ना, ये हिलडुल नहीं रहा है ना, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे बस बहुत हल्के हल्के से करिएगा, बहुत ज़ोर से नहीं कर दीजिएगा। पानी ऊपर हो गया ना, ये तो फिसल रहा है, एक सेकेंड पोंछ दूँ मैं इसको थोड़ा। ये देखिए पोंछ दिया, ये मग वही है, अभी इसमें होल हुआ नहीं है, ये देख लीजिए, ऐसे दिखा दे रही हूँ, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले होल कर दूँ फिर आपको मैं दिखाऊँ, मैं ये सब काम नहीं करती। ऐसे देखिए इस वाले में थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, ये वाले में, क्योंकि ये ना इसका ये वाला बेस जो है ये थोड़ा मोटा ज़्यादा था, इस वाले का थोड़ा पतला था, तो बहुत हल्के से हो गया, जल्दी हो गया था, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा। थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि एक दो घंटा लग गया, 5 से 10 मिनट का में ये हो गया। ये देखिए तो ये देखिए, अब ये देख रहे हैं ना, हो गया इस वाले में भी। चलिए अब इसमें कुछ लगा लेते हैं, ये देखिए कैसा है, बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हो गया। अब इसमें कुछ लगा भी लेती हूँ, मग बनाया ही है तो फिर इसमें ये, अब ये चूंकि होल हो गया है डेनेजोल, तो डेनेजोल के ऊपर हमें कुछ पत्थर रखने पड़ेंगे, ये रख दिया, ठीक है। अब क्या लगाएं, फिलहाल मेरे पास एक ये कटिंग यहाँ पे ये तैयार हुई है, ये है, ये देखिए
उसकी है, जेड प्लांट की है, ठीक है। तो इसको ही मैं लगा ले रही हूँ, ये देखिए इसकी रूट है ना, इसको लगा दे रही हूँ। इस समय मैं जेड प्लांट और तो वो सब मिट्टी विट्टी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसका पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बस ये है कि लगाना था। मुझे ये खाली खाली जगह अच्छी नहीं लग रही है, तो इसमें मैं और कटिंग्स इसकी चलिए लगाती हूँ। चलिए इसी में से ले लेते हैं, बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था उसका, कलनचोई की लीफ कटिंग का, उसकी भी लीफ मेरे पास तैयार है। और स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं, बहुत सारे लगा सकते सब इस तरीके से। इतना बड़ा ये वैसे ही हो रहा है, ये देखिए, तो इसको ही लगा लेती हूँ मैं। कुछ नहीं करना है, बस नीचे तो और भी छोटी, इससे भी छोटी होगी ना, इतनी 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 सी होगी, वो भी लग जाएगी, बहुत छोटी छोटी सी लग जाएगी। तो बहुत सारी मैंने वैसे काटी, चलिए लगाती हूँ मैं। ये देखिए, ये नीचे से ना पत्तियों को हटा दिया है, और बस इसको ऐसे ही लगा देंगे, तो यहीं पे लगा देंगे। इसके रूट्स बहुत जल्दी, अभी इसको धूप, अभी विंटर है जैसे, तो धूप में भी रख देंगे तो कोई बात नहीं। और मॉइस्चर बना के रखना होता है, जब भी हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो मॉइस्चर बना के रखना होता है, और उसको सूखने भी नहीं देना होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई करना होता है, वेट मतलब ड्राई भी नहीं होने देना है, ना सूखने देना है, ना तो गीला बहुत करना है, बस ये नमी बना के रखना है। और इसको आप ऐसे, और बार बार निकाल निकाल के देखना भी नहीं है कि रूट बन गई कि नहीं बन गई, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मैं खुद भी ये काम बहुत करती हूँ। चलिए अब इसको मैं लगा देती हूँ, तो लगा दिया। अब वैसे देखिए ना, ये जब निकलेगा तब ये बड़ा होगा तब होगा क्या, ये जो है आपका सकुलेंट, लेकिन तब तक बहुत बड़ा खाली लग रहा था। और हम जो प्लांट्स लवर होते हैं ना, तो इनको भैया बहुत खाली बिल्कुल नहीं पसंद आते, बिल्कुल भरा भरा गार्डन अच्छा लगता है, और पॉट्स भी एकदम भरे भरे अच्छे लगते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और ये दोस्तों आज देखिए मेरा गुड़हल कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा है। बाय।